साढ़े बाप दादे पड़दादे इन्हां चुगियां दे विच उन्होंने दिन गुजारे। कई लोग अरबपति है, पैसा संभालिया नहीं जाता, पर एक आदमी घरे शाम को बैठा वो तो पता नहीं रोटी घरे चलनी कि नहीं चलनी। उनको देखा 6 बार, रमनजीत लाली को भी देखो 1 बार, लेकिन मैनू किसी साजिश के तहत उस स्टेज के उत्ते चढ़न तक नहीं दिता गया, बोलन तक नहीं दिता गया। अज असी हलका उत्तरी च खड़े हैं, 2022 के विधानसभा चुनावों का जिदा बिगुल वजा हो आजाद उम्मीदवार असी देखते हैं, लेकिन अज एक ऐसा आजाद उम्मीदवार है जिन्हें सानू पुराने दिनों की याद दिलाती। ये तुसी देख सकते हो तस्वीर जड़िया ने जी, झुग्गी देख रहे हो, इस तरह झुग्गियां बना के जेडे कि साडे पुराने लीडर होंदे सीगे उत्थों अपने दफ्तर अपने लोगों के वितरना शुरू करते सन। अज रमनजीत सिंह लाली जेडे है BSP च पहला होंदे सी, उस तो बाद तुसी कांग्रेस च गए, ये झुग्गी बनाने का की कारण है जिहड़ा तुसी कांग्रेस छड़ के? झुग्गी बनाने का मकसद दो है, एक तो यह है कि सानू अपने इतिहास के बारे जानकारी होनी चाहिए, साडा सारयां दा इतिहास यही रहा, साडे बाप दादे पड़दादे इन्हां झुग्गियां दे विच उन्होंने दिन गुजारे। दूसरा मैं जिदा तुसी दस्या कि राजनीतिक गतिविधियां नाल जुड़िया होया, पहला बहुजन समाज पार्टी तो 2 बार MLA का इलैक्शन लड़िया और 3री बार फिर मैं लड़िया ने, और हुण जदों मैं देखिया कि इत्थे दे चुने हुए लोगों की दित्ती हुई वोट की पावर दे नाल सिर्फ अपने आप च बदलाव ल्याउंदे आ, जां गरीब गुरबे लोगों दीआं उन्हां नूं छोटे छोटे लालच दे के उन्हां दीआं वोटां बटोरदे आ, लेकिन रमनजीत लाली चाहुंदा है कि इस देश दे अंदर इस पंजाब दे अंदर गुरुआं दी सोच वाला समाज सिरजे, जिथे बराबरता होवे, जिथे कोई छुआछात ना होवे, जिथे किसी भी प्रकार की कोई गैर बराबरी समाजिक और आर्थिक। और अज देखो मैं देखदा कि कई लोग अरबपति है, पैसा संभालिया नहीं जाता, पर एक आदमी घरे शाम को बैठा वो तो पता नहीं रोटी घरे चलनी कि नहीं चलनी। एक अमीर बच्चा बड़े बड़े स्कूलों च पढ़ रहा है, गरीब बच्चा वो कोई साधनी है नहीं। सो अजिहियां जिहड़ियां वितकरापूर्ण नीतियां, तो मैं कहा सी कांग्रेस पार्टी में, मैं कहा भी मैनू दिओ, मैं उस विधानसभा च जाके जिथे बाबा साहब का संविधान पिया है और उस संविधान का ओट आसरा लैके मैं उस व्यवस्था को कायम करा जिहड़ा मकसद उस संविधान का सी, लेकिन उत्थे बड़े लोगों का कब्जा है और संविधान की इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई, और इंप्लीमेंटेशन ना होने करके ही अज समाज दे विच गैर बराबरी है। सो मैं गैर बराबरी खत्म करने लिए मित्रा आया, और तुहाडे चैनल दे राही सारे इलाका निवासियों नूं बेनती करना है कि उनको देखा बार बार, उनको देखा 6 बार, रमनजीत लाली को भी देखो 1 बार। मैं तुहाडियां धर्मशालावां तुहाडियां गलियां वो तो तुहाडा फंडामेंटल राइट है, तो होना चाहिए, तुसीं उन्हां नूं कह कह के ही लोगों तो वोटां लई जांदे हो। मैं तुहाडे घरां दे विच रौनक लैके आऊं, तुहाडे चेहरियां ते रौनक लैके आऊं, तुहाडे नौजवानां दे हत्थां चों नशे खत्म करके उन्हां दे हत्थां दे विच रुजगार दूं। तुसीं कांग्रेस तों क्यों नाराज दिखे, बड़े मौके ते आके जिहड़ी हैगी तुसीं कांग्रेस छड्डती, की कारण रिहा राकेश पांडे तों इस तरह की, किस तरह की नाराजगी सी? राकेश पांडे जी ने मेरा और मेरे समाज का बहुत वड्डा नुकसान किया। 16 दसंबर नूं जिदन सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी आए सी, असीं भी वड्डी गिणती च उत्थे लोगों ने उन्हां दा वेलकम किया, लेकिन मैनू किसी साजिश के तहत उस स्टेज के उत्ते चढ़न तक नहीं दिता गया, बोलन तक नहीं दिता गया। चलो मैं चढ़ गया, चन्नी साहब दे नाल सी, मैं सत्कार करदा चन्नी साहब दा, मैनू अपनी गड्डी दे विच अंबेदकर चौंक तो नाल लैके आए, क्योंकि वह मेरा सी, मेरे समाज का सी, और उन्हां नू लीडरशिप ने मेरे किरदार बारे दस्या सी। लेकिन जदों मैं स्टेज दे उत्ते आके बैठा तो मैं अंबेदकर भवन लई 3-4 चीज़ां, जो पंजाब का सब तो वड्डा अंबेदकर भवन आ, वह चन्नी साहब नूं कहना चाहुंदा सी, उन्होंने कर भी जानी सी। अज तुसीं उत्थे देखदे हो 2 लड़कियां 1 दिन 1 राती, रोज़ ब्याह हुंदे आ, होर समाजिक इवेंट हुंदे आ, उत्थे पार्किंग की दिक्कत आ। मैं चन्नी साहब नूं कहना सी जी नाल 60-70 फुट जगह होर खाली पई आ परले पासे, वह दे दिओ, इत्थे हमेशा लई पार्किंग की जिहड़ी आ प्रॉब्लम आ खत्म हो जाएगी। मैं कहा इत्थे गरीब गुड़ियां दे ब्याह हुंदे आ, चन्नी साहब अज अनाउंस करके जाओ भी जिन्हें भी इत्थे बिजली वगैरह लगेगी मैं इत्थे जिहड़े हैगे सारी फ्री कर दूंगा। और मैं चन्नी साहब नूं कहना सी कि नाल दे पासे लंबे समय तो लोगों की मंग रही है कि इत्थे डॉक्टर BR अंबेदकर सिविल हस्पताल Part 2 बना दिता जाए, वह उन्होंने अनाउंसमेंट कर देनी सी। इधरले पासे जगह खाली पई सी, उत्थे मैं चाहता सी कि इलाके के लोगों लई, बच्चों लई, बजुर्गों लई एक खेडण वाला एक लेयर वैली टाइप जगह जी है स्टेडियम वह बना दीए,
और मैं चाहता सी मेरे नाल गुआंढी मेरा थाना सलेम टापरी बई सलेम टापरी का थाना अज दो तीन कमर चलता है कि चन्नी साहब जो डॉक्टर अंबेडकर भवन इन्ना वधिया बन गया तो मैं चाहना मेरे नाल दा थाना भी जिहड़ा हैगा मॉडर्न बन जाए। वितरा क्यों किया गया फिर वितरा क्यों किया गया क्यों नहीं उन्होंने तुहाडे अगे बोलन दिता गया यह तो हुण उह जाणदे पर मैं एक गल कहना पांडे साहब मेरी गल सुन लो याद रखियो पांडे साहब 2007 दे विच भी रमनजीत लाली आया सी और तुहानू हार दा मूँह देखना पिया सी याद करो हरीश बेदी जी इत्थे नहीं है वह जित गए 2007 तो हुण रमनजीत लाली 2022 च आया पांडे साहब हुण तुसीं फिर नहीं विधानसभा दे विच जा सकते। सो तुसीं देख सकते हो आजाद उम्मीदवार जिहड़े कि बतौर लड़ रहे ने हलका उत्तरी तो तुसीं देख सकते हो तस्वीरां जिहड़ियां ने यह तस्वीरां जिहड़ियां तुसीं इक झुग्गी दे विच दफ्तर देख रहे हो रमनजीत सिंह लाली जिहड़े हैगे ने कांग्रेस नूं छड्ड के अलविदा कह के हुण आजाद उम्मीदवार जिहड़े हैगे ने चोण मैदान च उतरे ने ते हुण देखण वाली गल है हलका उत्तरी दे लोग किदे ते मोर लगांदे ने इह तां आउण वाला समां दसेगा लेकिन उहनां दी सोच धारा जिहड़ी हैगी है वह एक अलग देखण नूं मिल रही है। लुधियाणा तों अभिषेक बैल दे नाल गोल्डी कुमार फैक्ट न्यूज़।